फ्री फायर में इतना सारा कैरेक्टर है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किसको यूज करूँ और किसको नहीं। साला कोई बुश बन जाता है, कोई सील बना देता है, और एक कैरेक्टर जो एनिमी का लोकेशन बता देता है, एक और कैरेक्टर है जो रॉकेट छोड़ता है। भाई फ्री फायर है या नासा का दुकान? तो गाइस आज मैं बताऊंगा 5 एक्टिव कैरेक्टर जो फ्री फायर में अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग में चल रहा है और बहुत ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर है। और नंबर 1 वाला तो सीरियसली भाई डिमांड में ही चल रहा है, भाई बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है। सो गाइस मैं हूं आपका भाई शेखू, भाई स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। चैनल में न्यू हो देन चैनल को मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। हम रेगुलर वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के लिए, भाई देखना मत भूलना, ओके? इसलिए बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो, ओके? ऑलराइट गाइस 5 बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर बताऊंगा, पहले 5th नंबर वाला बताऊंगा एंड लास्ट में नंबर 1 एक्टिव कैरेक्टर बताऊंगा, ओके? तो 5वें नंबर में जो एक्टिव कैरेक्टर आता है मेरे लिस्ट में वो है गाइस के कैरेक्टर, जो अनलिमिटेड एचपी प्रोवाइड करता है। के कैरेक्टर का 2 मोड है। फर्स्ट वन, जब इसका स्किल ऑफ रहेगा तब ईपी प्रोवाइड करेगा, एवरी 2 सेकंड में 3 ईपी देगा और ईपी स्लॉट को इंक्रीज कर देगा अप टू 220 ईपी, मतलब 220 एक्स्ट्रा ईपी आप लोगों को मिल जाएगा। देन के कैरेक्टर का सेकंड मोड है, जैसे इसका स्किल को तुम यूज करोगे जो ईपी है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास मेडिकेट नहीं है देन टेंशन लेने का कोई बात नहीं, के कैरेक्टर तुम्हारे पास है। और तो और ये कैरेक्टर बीआर रैंक, क्लास स्क्वाड रैंक एंड कस्टम में भी यूज कर सकते हो। और अगर तुम फुल मैप में सर्वाइव करके खेलते हो देन इससे बेस्ट कैरेक्टर अभी तक नहीं है फ्री फायर में। देन 4th नंबर में जो एक्टिव कैरेक्टर है उसका नाम है केंटा कैरेक्टर। ओबी 38 अपडेट में केंटा कैरेक्टर का एबिलिटी को चेंज किया गया है, उसके बाद केंटा को एक नया जान मिला। इस कैरेक्टर के ऊपर मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, ओके? केंटा का एबिलिटी एक शील्ड क्रिएट करता है फ्रंट में एंड फ्रंटल डैमेज को 50% ब्लॉक करता है। अच्छा अच्छा वेपन जिसमें ज्यादा डैमेज लगता है जैसे कि AWM, SVD, AC-80 इन सब का भी हालत खराब कर देगा केंटा कैरेक्टर। केंटा का एबिलिटी को अपडेट के बाद तगड़ा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस कैरेक्टर को बहुत कम बंदे यूज करते हैं। मैं एक कॉम्बिनेशन बताया था हेडशॉट से कैसे बचे, उसमें केंटा कैरेक्टर को यूज किया हूं। और तो और तुम केंटा कैरेक्टर को यूज करके हेडशॉट से भी आराम से बच सकते हो, जाके वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन 3rd नंबर में एक कैरेक्टर है जिसको मैं लगातार 1 मंथ से यूज कर रहा हूं, तासुआ कैरेक्टर। इसका एबिलिटी को अगर तुम सही से यूज करोगे तो तुम्हें कोई भी छू नहीं पाएगा, और अगर थोड़ा भी गलती करते हो देन इसका एबिलिटी लॉस हो जाएगा। तो तासुआ कैरेक्टर का एबिलिटी है 0.3 सेकंड के लिए रैपिड स्पीड इंक्रीज करता है। अब रैपिड स्पीड क्या है? रैपिड स्पीड का मतलब है अगर तुम नॉर्मल स्प्रिंट कर रहे हो देन तासुआ का स्किल को अगर यूज करते हो देन एबिलिटी वर्क करेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूं आप देख सकते हो। अगर तुम स्टैंडिंग पोजीशन में तासुआ का एबिलिटी को यूज करोगे देन वर्क नहीं करेगा। तासुआ कैरेक्टर को यूज करके तुम भयंकर वाला रस कर सकते हो एनिमी के ऊपर, और एनिमी भी सरप्राइज हो जाएगा ये कौन आ गया मेरे पास। अगर तुम्हें तासुआ कैरेक्टर के ऊपर फुल डिटेल्स में कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ वीडियो चाहिए देन कमेंट करो, और इस वीडियो में ज्यादा नहीं बोलूंगा गाइस 5000 लाइक कंप्लीट कर दो, ओके? देन 2nd नंबर कैरेक्टर को तुम शायद पहले से यूज करते आ रहे हो, उकोंग कैरेक्टर। उकोंग का एबिलिटी मेरे से ज्यादा तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ओके? उकोंग का एबिलिटी को आज से ठीक 1 साल पहले एडजस्ट किया गया था, फिर उसके बाद उकोंग कैरेक्टर को सभी प्लेयर यूज करने लगे। देखो उकोंग का एबिलिटी है बूस्ट में कन्वर्ट हो सकते हो, एनिमी के ऊपर रस कर सकते हो बूस्ट बन के, और तो और नॉनस्टॉप एनिमी को नॉक कर सकते हो और उसके बाद फिर से बूस्ट बन सकते हो, मींस जो बूस्ट है वो रीसेट हो जाएगा एनिमी को नॉक करने से। गाइस कमेंट में बताओ कि तुम कौन सा एक्टिव कैरेक्टर यूज करते हो अभी, ओके? देन नंबर 1 कैरेक्टर जाने से पहले आप लोग फटाफट से एक साथ मिलके गाइस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ओके? नंबर 1 कैरेक्टर है हुमर। इसका एबिलिटी को क्लास स्क्वाड एंड लोन वुल्फ में सभी प्लेयर यूज करते हैं। हुमर का एबिलिटी है एक ड्रोन क्रिएट करता है 100 मीटर डिस्टेंस के अंदर, जो एनिमी होगा उसके ऊपर वो ड्रोन ब्लास्ट हो जाएगा और उसके बाद एनिमी का हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि उस एनिमी का मूवमेंट स्पीड 60% रिड्यूस हो जाएगा एंड फायरिंग स्पीड 35% रिड्यूस हो जाएगा। हुमर कैरेक्टर का स्किल को यूज करने के बाद अच्छे अच्छे प्रो प्लेयर भी बॉट बन जाते हैं। फिर क्या, बॉट को मारो पकड़ के। मैंने कुछ पूछा। और तो और हुमर को यूज करके तुम छुपे हुए एनिमी को भी बाहर निकाल सकते हो। भाई फ्री फायर खेल रहे हो या छुपा छुपी?
सो गाइस ये था टॉप 5 एक्टिव कैरेक्टर। इन 5 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर को जरूर अपने कॉम्बिनेशन में यूज करो। और वीडियो अगर अच्छा लगा देन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, तुम्हारा भला होगा। और ये दोनों वीडियो देख लो, लेफ्ट साइड में हाउ टू इंप्रूव योर गेम प्ले लाइक राइज स्टार एंड राइट साइड में है हेडशॉट कॉम्बिनेशन। और जाते जाते याद दिला देता हूँ गाइस, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लेना, छोटा मोटा अपडेट वहां पर मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।